दीपावली पर्व के अवसर पर नगर विकास अनुभाग 9 के निर्देश के क्रम में नगर निगम परिसर में 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दीपावली मेले एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेले की तैयारियों का नगर आयुक्त ने स्थलीय निरीक्षण किया तथा सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि दीपावली मेले में स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेताओं को अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने हेतु नगर निगम द्वारा एक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है। इनको स्टॉल पर अपने उत्पाद बेचने की सुविधा दी गई है। स्टॉलों की संख्या सीमित है। मेले का आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रतिदिन शाम को विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेले में पटरी रेहड़ी के विक्रेताओं के अतिरिक्त फूड स्टॉल, झूला एवं अन्य मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। दीपावली मेला नगर निगम परिसर और म्यूजिकल फाउंटेन के परिसर में लगाया जाएगा, जहां पर एक तरफ म्यूजिकल फाउंटेन की रौनक रहेगी, वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फूड स्टॉल भी व्यवस्थित रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, कर लेना ये देखिए, एक मौका मैं देने वाला हूँ आप लोगों को जी ना, एकदम एंड टाइम पे छुट्टी दिलाऊंगा। काम है यहाँ पर पूरा पूरा जो है उसमें इंटर लॉकिंग में जाम दिखाया है। अभी आने से दिखा दिया यहाँ पे, ये क्या दिया पर्दा में देखा है, क्या लगा दिया अभी कितने लगाया है दीपावली के जो मेला लगाया जा रहा है नगर निगम से, कितने स्टॉल लगे जा रहे हैं और क्या मकसद है इसका? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार जो है दीपावली मेला है, उसको हम लोग विकासोत्सव दीपावली मेले के रूप में हम लोग मना रहे हैं। यह मेला जो है 28 तारीख से प्रारंभ होकर 4 तारीख तक चलेगा, और इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो है हमारे जो नेशनल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो सब लोग मिलकर यहाँ पर इसके नगर निगम कैंपस के अंदर वो दुकानें लगा रहे हैं। इन दुकानों में काफ़ी दुकानें अलग अलग, जैसे दीपावली से बनी हुई जो गणेश लक्ष्मी जी जो दिए बाती आदि की दुकानें रहेंगी, वहीं पर एक बड़ी संख्या में फूड स्टॉल भी यहाँ लगे रहेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को यहाँ पर जो है कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, और कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों के लिए झूले आदि की व्यवस्था भी की हुई है। कहने का आशय यह है कि कोशिश नगर निगम की है, नगर विकास विभाग की तरफ से, कि पूरा एक कंप्लीट पैकेज हम लोग यहाँ पर देंगे कि लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर आएँ, बच्चे यहाँ पर झूले से झूला झूलें, जो अगर उनको बैलून के जो निशानेबाजी के शौक हो उसको पूरा करें, जंपिंग जो मिकी माउस आगे उस पर उसको जंप करें। काफ़ी ये बच्चों के लिए बहुत से अच्छे आइटम हैं। इसके साथ साथ जो हमारे लेडीज और जेंट्स होंगे उनके लिए डोसा, इडली सांभर, छोले भटूरे आदि, आइसक्रीम्स आदि की मतलब फूड स्टॉल लगे हुए हैं, जिससे कि वो वहाँ पर जाकर स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी मार्केट में बहुत सी सामान हैं, जिसमें टेरिकोटा के ज्वेलरी है, अलग अलग आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ बनाती हैं, उनका भी प्रदर्शन होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इस दीपावली के इस मेले में उनकी समृद्धि को बढ़ाना, उनकी आय में वृद्धि करना है। वैसे भी आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हमें अपने जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारे गलियों में, सड़कों में खोमचे आदि, रेहड़ी वाले आदि जो लगाते हैं, उनकी आय को हम लोग दुगना करें।
उसी के तहत एक प्रयास है कि उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का, और निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैंने एक अपील भी इस मौके पे किया है, यहाँ पर जितने भी सरकारी विभाग हैं उन विभागों से कि सब लोग यहाँ पर आएं और अपना यहाँ पर जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनको देखें, उनको परचेज करें, जो यहाँ पे फूड जो प्लाजा बना हुआ है, फूड कोर्ट बना है, उसमें वहाँ पे बैठें, उनका स्वाद लें, और जो सांस्कृतिक संध्या हो रही है उसका परिवार के साथ मिलकर आनंद उठाएं। और निश्चित रूप से इससे जो भी आय होगी, ये आय हमारे जो स्वनिधि भाई हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके वो एक तो उनको बहुत ही वो प्रोत्साहित होंगे, उनका मनोबल बहुत ऊंचा होगा, और निश्चित रूप से उनकी आय में इजाफा होगा, इससे वे और भी अच्छी तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे। कब से कब तक चलेगा ये? चलेगा 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। समय क्या है? समय ये सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और शाम को मतलब आप समझिए 9 बजे तक चलेगा। रात में शाम के समय जो है कल्चरल होगी, सांस्कृतिक संध्या होगी, जैसे कि 30 क्या नाम है 29 तारीख को हास्य कवि सम्मेलन है, 30 तारीख को हमारे यहाँ मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक, और जो एक लोक गायन है यहाँ का उसका रहेगा। इसके बाद हमारे पास हम लोगों ने एक जो सांस्कृतिक कलाकार हैं उनके माध्यम से मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य और फूलों को होली रखवाई है। कहने का आशय ये है कि सांस्कृतिक संध्या में निश्चित रूप से लोगों को बहुत ही आनंद आएगा और लोग मिलकर अपने परिवारजन के साथ दीपावली के मेले का आनंद उठा सकेंगे। सर काफ़ी लोग आएंगे, दुकानें भी रहेंगे, तो सुरक्षा क्या व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा के लिए पूरी हमारी जो ATF की टीम है वो यहाँ पर अलर्ट रहेगी। हम लोग मतलब हमारे सभी अधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई हुई है, वो सारे हमारे अधिकारी यहाँ मौके पर रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत चाक चौबंद रहेगा। इसीलिए इस मेले में को नगर निगम परिसर में रखने का एक सबसे बड़ा कारण भी यही था कि यहाँ पर हम रह के अपनी आँखों के मतलब सामने हम लोग ऑफिस बैठे रहेंगे, एक तरफ ऑफिस का काम भी हो जाएगा, दूसरी तरफ हम मेले के आवाजाही पे मेले में जो लोग हमारे आ रहे हैं, चाहे हमारे दुकानदार भाई हों, चाहे हमारे जनसामान्य के, सबके बीच में एक अच्छा माहौल में मेला चलता रहे, इस पे हम लोग नज़र रखे रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो इस मेले को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के पीछे कि डेली नगर निगम परिसर में कम से कम 1000 लोगों की आवाजाही होती है, तो वो जब लोग यहाँ आएंगे 1000 लोग ऑटोमेटिक 1000 लोग के आ रहे हैं। एक तो बहुत से लोग जो विज्ञापन प्रचार प्रसार हम इतना तेज़ी से कर रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं, उसके माध्यम से आएंगे, और कुछ ऑटोमेटिक जो 1000 के करीब लोग आते हैं, तो इससे हमारा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी आय में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी उनको एक आय होने की आशा है, इसलिए इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है।